आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा बैटरी, ठीक है, जो सर्किट गिवन है, ठीक है, 5 वोल्ट बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्किट का मैं सिंपलीफाइड फॉर्म क्रिएट कर दे रहा हूं। ठीक है, इस सर्किट का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सिंपलीफाइड फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तीन चार पॉइंट है आपका। ये वाला पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट आपका सी है, और ये वाला पॉइंट आपका डी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ए पॉइंट है, ठीक है, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट हमारा सी है, और यहाँ पे पॉइंट हमारा डी है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ए और बी के क्रॉस 5 ओम का रेसिस्टर लगा गया है। तो ए और बी के क्रॉस मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 ओम का रेसिस्टर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड आपका बी से सी के क्रॉस 10 ओम है, मतलब बी से सी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो बी से सी के क्रॉस क्या कर रहा हूँ, बी से सी के क्रॉस मैं 10 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी से डी, सी से डी में 20 ओम का है, तो सी से डी वाला आपका ये पॉइंट है, तो सी से डी के क्रॉस मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका 20 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड आपका ए से सी में 10 ओम का है, तो ए से सी हमारा ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो ए से सी अगर बात करेंगे तो ए से सी में हमारा 10 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। ओके, एंड बी से डी आपका 10 ओम है, मतलब ये वाला बी था, तो बी से डी में भी हमारा कितना है, तो ये भी आपका 10 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। और ए और डी पॉइंट के अक्रॉस 15 वोल्ट का बैटरी लगा है, मतलब ए वाला पॉइंट ए है, ठीक है, और ए और डी का क्रॉस कितना वोल्ट का बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी लगा है। ठीक है, ठीक है, 5 वोल्ट का। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 5 वोल्ट का बैटरी। ओके, अब ये सर्किट देख करके हमें समझ में आता है कि आपका ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो है, ये आपका यूज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर मैं मान लूं कि इस वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर मैं R1 मान लूं, और इस वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर मैं R2 मान लूं, और इस वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर R3 मान लूं, और इस वाले रेसिस्टेंस का अगर वैल्यू मैं R4 मान लूं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक बैलेंस कंडीशन होता है। बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि R1 बाई R2 का जो रेशियो होता है आपका बराबर होता है R3 बाई R4 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका ये जो मिडिल वाला जो कनेक्शन है बी से सी का क्रॉस, ये आपका वर्क नहीं करता। मतलब वर्क करने का मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, और अगर करंट फ्लो होगा नहीं तो उसमें वर्क करेगा नहीं। ओके, तो अब बात आती है कि हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं, तो R1 हमारा कितना है, 5 है, तो इसको मैं चेक करूंगा, तो 5/10 इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए 10/20 के। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका ये दोनों साइड क्या आ रहा है, दोनों साइड 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये भी आपका 2 टाइम्स में कैसे लगा, और ये भी आपका 2 टाइम्स में, मतलब कि ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा। मतलब अब हमारा बचा सिर्फ कौन, तो हमारा मात्र ये 3 बचे, ये 4 बचे, एक ये R1 R3 एंड एक R2 एंड एक हमारा R4 बचा, ये काम का नहीं है। ठीक है, अब अगर ये काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर उसको हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक और सर्किट बना देता हूँ आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हमारा बचेगा क्या, तो एक हमारा ये बचेगा, एक हमारा यहाँ पे बचेगा, और एक हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड में बचेगा, और इसके जस्ट साथ में हमारा एक यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम लोगों ने 15 वोल्ट का बैटरी लगा कर रखा। ठीक है, इसके अक्रॉस हमने 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट का बैटरी हमारा, तो यहाँ के इसके अक्रॉस हमने क्या कर रखा है कि 5 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेसिस्टर कितना था, ये रेसिस्टर था हमारा 5/10 और 10/20। ठीक है, तो ये हमारा 5, ये हमारा 10, और ये है आपका 10, और ये है आपका 20। ओके, अब इसको ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में होंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंबाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूंगा, दोनों सीरीज में है, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो दोनों मिलाकर के आपके 15 ओम के बराबर आ जाएंगे। और ये दोनों भी आपके सीरीज में, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलाकर के आपके 30 ओम के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके केस के बाद आपका अब ये 15 ओम और ये 30 ओम आपके पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोनों रेसिस्टर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 15 × 30, एंड दोनों का सम करेंगे, मतलब 15 + 30 जो कि आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 15 × 3 = 45 और 3 × 10 = ठीक है, 3 × 10 = 30, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10 ओम, जो हमारा आ गया वो ओवरऑल रेसिस्टेंस आ गया। अब हम लोग लास्ट में, ओवरऑल लास्ट में हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे, तो जो आई हमारा होता है करंट, जो आएगा यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 5 है, एंड टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 10 आ गया। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 और ये हमारा आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर के बराबर और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।